क्या लगता है, बन जाएगा जीरो बजट में सॉन्ग? बन जाएगा? नहीं, बन चुका है। जस्ट नाउ मैंने ख़त्म किया आपके लिए एक जीरो बजट सॉन्ग, जिसमें मैंने ना तो कीबोर्ड यूज़ किया है, मीडी कीबोर्ड, ना ही ऑडियो इंटरफेस यूज़ किया है, ना ही मैंने माइक यूज़ किया है। एक्चुअली मैंने माइक यूज़ किया है खुद का वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए, बट नॉट फॉर मेकिंग द सॉन्ग। आई मेड अ स्मॉल म्यूजिक पीस फॉर यू। मुझे लगा था पहले कि मैं इसको ऐसे ही चला दूंगा कि आप देख लेंगे ना एज अ लाइव वीडियो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो इतना लंबा हो गया, इतना सारी चीज़ें उसमें हो गई है कि उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो शायद वो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो। ठीक है, सो रोलिंग इन राइट नाउ, मेकिंग अ सॉन्ग इन एब्सोल्यूट जीरो बजट, ओनली यूजिंग मीडिया VST एंड योर कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, नथिंग एल्स। लेट्स गेट ओवर देयर। तो वी शैल फोकस ऑन एज ऑफ नाउ, जस्ट हैंग ऑन अ सेकंड। सो वी शैल फोकस ऑन क्रिएटिंग बेसिकली कॉर्ड पैटर्न्स, एंड उसके साथ साथ जो है आपका एक छोटा सा रिदम भी होगा, उसके नीचे एक लीड इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि समथिंग दैट इज़ प्लेइंग द मेन ट्यून। ठीक है, एंड मैं एक बेस भी लगा दूंगा, तो बस इतना सा रहेगा, एंड इतना मिल करके जो होगा कि कंपोजिशन आपका तैयार होकर आ जाएगा। आई एम गोना मेक दिस थिंग विदाउट यूजिंग मीडी कीबोर्ड और एनी थिंग, एब्सोल्यूटली जस्ट यूजिंग माई लैपटॉप कीबोर्ड एंड दी माउस। अच्छा, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ चार ट्रैक तैयार करेंगे, जिनमें से एक होगा आपका कॉर्ड्स, एक होने वाला आपकी लीड इंस्ट्रूमेंट, द थर्ड वन इज़ योर ड्रम्स एंड द फोर्थ इज़ बेस। ठीक है, ये चार इंस्ट्रूमेंट पे काम होगा, एंड वी शैल नॉट गो इन टू मिक्सिंग मास्टरिंग ऑफ एनीथिंग। हो सकता है थोड़ा सा मैं वॉल्यूम बैलेंस करूँ, बट नथिंग एल्स, कोई इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रॉ ट्रैक को हम इसमें रखेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फोर ट्रैक्स मैं ले लूँगा। एक आपका हो जाएगा सबसे पहले एक लीड इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ना आई एम यूजिंग मैसिव, मैसिव का साउंड लाइब्रेरी काफ़ी मैसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड्स हैं इसमें। नाउ इन साउंड्स को आप बजाकर चेक नहीं कर सकते हो नॉर्मली, अगर आपके पास मीडी कीबोर्ड नहीं है तो, बट एक उपाय है, यहाँ ऊपर ऊपर जो यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला, इसको क्लिक कर दीजिए। इससे आपका क्या होगा, लैपटॉप का जो कीबोर्ड है, राइट, इस लैपटॉप का कीबोर्ड से आप देख रहे हो कि ये जो साउंड है वो प्ले होना चालू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखा दूँ, अगर आप ऐसा कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो इसमें ये जो ए नोट होता है, ये मतलब ए की जो होती है, ये आपका एक्चुअली सी नोट होता है। ठीक है, तो ASDFGHJ, ये जो सात नोट्स हो गए, ये आपका CDEFGAB, इन नोट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये सी है तो ये सी शार्प होगा, ये डी है तो ये डी शार्प होगा, है ना, EF, F शार्प, जी जी शार्प, A, A शार्प एंड B एंड वापस से C। इस तरीके से ये नोट्स आपके वहाँ पे मैप किए हुए रहते हैं, किसी भी डॉ में आप यूज़ करोगे तो लगभग यही नोट्स वहाँ पे मैप किए हुए रहेंगे। ठीक है, चलो। तो एक अच्छा खासा मैं कॉर्ड्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कॉर्ड्स बजाने के लिए। आई विल गो फॉर अ पैड काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ फॉर कॉर्ड्स, लेट से। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ कॉर्ड्स इस पर्टिकुलर ट्रैक का। अच्छा, तो फिर जो दूसरा वाला जो है यहाँ पे मुझे चाहिए, लेट से मैंने जैसे लिखा रिदम चाहिए मुझे एक, मैं यहाँ पे एक लीड इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ, रिदम उसके बाद में लेते हैं। मैं वापस से मैसिव यूज़ कर रहा हूँ वंस अगेन। मान लीजिए मैंने ले लिया एक लीड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको मुझे एक रिदम चाहिए, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है लास्ट वाले में बेस, लेट से। ठीक है, चलो कूल। तो अब एक कॉर्ड सीक्वेंस कुछ रिकॉर्ड करते हैं। मैं वंस अगेन मैं पूरा ही माउस से ऑपरेट कर रहा हूँ, आई मीन विदाउट यूजिंग द मिडी कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक मिडी चीज़ बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स डालते हैं। तो मैं लेट से फॉर एग्जाम्पल समथिंग सी माइनर स्केल, समथिंग लाइक दैट, लेट मी ट्राई सी डी शब जी। ठीक है, इसकी मैं वॉल्यूम थोड़ी कम कर देता हूँ। इसको एफ पर लेकर आ जाओ क्योंकि ठीक लगेगा।
तो अभी ये जो आया ये आपकी लीड वगैरह सब हो गई ठीक है, तो आप देख रहे हो कि काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। थोड़ी देर के लिए मैं ड्रम प्रो यूज़ कर लूँगा, आई मीन दैट्स अ प्रेटी गुड वन। सो नाउ दिस वन डजेंट साउंड वेरी गुड, वेरी फ्लैटरिंग एट द बिगिनिंग एक्चुअली, तो इसको थोड़ा सा चेंज चेक कर दें। ट्राई करते हैं इसको लेके, यहाँ पे एक रिदम तैयार करते हैं छोटा सा। इसके बाद जो है देता हूँ यहाँ पे तबला टाइप का समथिंग, यू नो डिजाइन दैट विल लुक गुड एक्चुअली ओवर हियर, तो क्रिएट करते हैं। लास्ट थिंग एक बेस चाहिए हमको, तो एक बेस लगा देते हैं यहाँ पे। एफ एम बेस इसको ऑन कर लेता हूँ। तरीके से आप जो है ऑब्वियसली आपको क्रिएशन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जो कि आप नॉर्मली जब करते हो तो मीडी कीबोर्ड वगैरह यूज़ करके, बट इफ़ यू हैव हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई कि कैसे आप ज़ीरो बजट में म्यूज़िक बना सकते हैं। तो शुरू हो जाइए अपना फेवरेट डॉ लेकर। डॉ लेकर मत सोचिए, इंस्ट्रूमेंट लेकर मत सोचिए, इंटरफेस नहीं खरीदना है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए कंप्यूटर। एंड इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर यू हैव अ म्यूज़िक, राइट। इस वीडियो को यूट्यूब में पब्लिश करने के लिए मुझे थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बीच में से काट दिया है, स्पीड अप कर दिया, आपने नोटिस किया है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। इन केस दिस वॉज, मेक श्योर यू पुट अ लाइक, क्योंकि आप जब लाइक करते हो उस वीडियो को, यूट्यूब उस वीडियो को और 10 लोगों के पास पहुंचाती है। तो बाई पुटिंग अ लाइक यू आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल टू फाइंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।